वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ऑलरेडी हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया है, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ टू चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है। यानी वी नो दैट फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, बट आगे हमने जो पढ़ा है उसके अंदर सिर्फ वैल्यू निकाली है, यानी सिर्फ वैल्यू यानी स्केलर फॉर्म। ओके, तो स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू वन क्यू टू टू चार्जेस आर डिस्टेंस बिटवीन देम एंड के इज द कूलम कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू। क्लियर? ओके, तो एक फोर्स निकालने की मेथड, फोर्स की वैल्यू निकालने की मेथड हमने पढ़ ली, बट फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी? तो फोर्स को उसकी वैल्यू एंड उसकी डायरेक्शन के साथ दिखाना है, यानी फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है। तो जब फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है तो कूलम्स लॉ को कैसे यहां पर डिराइव करेंगे? ओके, ये थियरी यहां पर समझनी है, बट इसको समझने से पहले मैं एक और बात आपको समझाता हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर मेरे पास टू चार्जेस है Q1 एंड Q2। नाउ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। अब यहां पे एक वर्ड याद रखना, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स या फोर्स टू के कारण वन पे लगने वाला फोर्स, फोर्स ड्यू टू टू वन वन, फोर्स ड्यू टू वन वन टू, सभी फोर्स को लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना है, नोटेशन याद रखना है, पहले भी करवाया है। एफ वन टू, तो इसको बोलेंगे क्या? एफ वन टू को बोलेंगे टू के कारण वन पर लगने वाला फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, क्लियर? या फिर एफ टू वन, तो इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, वन के कारण टू पर लगने वाला फोर्स, टू के कारण वन पर लगने वाला फोर्स, या फिर फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू। ऐसे कितने भी वर्ड आप बोल लो, सभी का मीनिंग एक ही होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बट फोर्स को दिखाने का तरीका थोड़ा अलग सा होता है। क्यू वन एंड क्यू टू बोथ आर पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन। तो एफ वन टू जो है उसको बोलते हैं ड्यू टू टू ऑन वन, यानी ये फोर्स लगेगा कौन से चार्ज पे? वन पर लगेगा, ऑन वन। तो उसको शो कहां पे करेंगे? फर्स्ट वन नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर के चार्ज पे, यानी कि वन नंबर के चार्ज पे। यानी फोर्स को दिखाना कहां पर है? जहां ऑन लिखा है वहां, ऑन वन लिखा है, यानी फोर्स को चार्ज वन पे दिखाएंगे। ओके, तो फोर्स को दिखाना है चार्ज वन पे। अब जो चार्ज वन पे दिखाना है तो कहां दिखाना है, उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है? तो एक बात फिक्स है कि टू चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑलवेज दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसी पे लेना है। तो एक बात क्लियर, फोर्स की डायरेक्शन कहां पे दिखाएंगे? इसी लाइन पे दिखाएंगे। अब दूसरा, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो देखो, यहां दोनों हमने पॉजिटिव लिए, क्यू टू ऑल्सो पॉजिटिव, तो यहां Q2 के कारण Q1 पे लगेगा, यानी कि फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, यानी टू के कारण वन पर लगने वाला फोर्स। अब ये फोर्स रिपल्सिव होगा, यानी कि टू नंबर का चार्ज वन नंबर के चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्शन होगा। रिपल्शन में क्या होगा? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले फोर्स से Q1 रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, ये Q1 दूर जाएगा। तो इसी लाइन पे ड्रॉ करेंगे, बट ए रिपल्शन। तो ए कौन सा फोर्स हो गया? टू के कारण वन पर लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहले इसको पढ़ो, फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, टू के कारण वन पे लगने वाला फोर्स, यानी टू नंबर का चार्ज वन नंबर के चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब उसकी डायरेक्शन रिपल्सिव होगा, तो दोनों से दूर जाने की डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता तो पास में जाता। क्लियर? सिंपल। चलो यहां पर दूसरा,
यहां पर मैं लिखता हूं एफ टू वन, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू वन वन टू, वन के कारण टू पर लगने वाला फोर्स, यानी फोर्स कौन लगा रहा है, वन, कहां लगा रहा है, टू पर, तो फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, तो फोर्स किस पे लग रहा है, टू पर, तो उसको शो कहां पे करेंगे, टू पे करेंगे, ओके। अब वन पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो वन के कारण टू पर जो लगेगा वो रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण टू वन से दूर जाएगा, तो इसको यहां पे ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसको बोलेंगे वन के कारण टू पे लगने वाला फोर्स, तो इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, यानी चार्ज वन चार्ज टू पे फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई करने से चार्ज टू दूर जाएगा, चार्ज टू दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि रिपेल कर रहा है, तो Q1 से Q2 दूर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करता, तो ये अट्रैक्ट करता तो इस और इसको ड्रॉ करते हैं, Q2 Q1 को अट्रैक्ट करता तो ये भी हम इस और ड्रॉ करते हैं, यानी डायरेक्शन कौन से लेंगे, रिपल्शन होगी तो दूर की ओर, अट्रैक्शन होगा तो टूवर्ड, ओके डन। तो ये एक बात ये आपको याद रखनी है, ओके। अब देखो आगे, अब जो आगे पढ़ना है उसके अंदर, यहां हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर हमने टू चार्जेस कंसीडर किए, Q1 एंड Q2। Q1 चार्ज का जो लोकेशन है उसको दिखाने के लिए जो वेक्टर यूज किया उसको चार्ज वन का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे R1, सेम वे चार्ज टू का पोजीशन वेक्टर होगा R2। तो चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 दोनों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट किए और दोनों के पोजीशन वेक्टर हमारे पास है। अब एक बात याद रखना, Q1 एंड Q2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से शो कर सकता हूं, तो कैसे मेथड है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो R, उसको R12 भी लिख सकते हैं, R2 भी लिख सकते हैं, उसको R12 कैप करके मोड लिख सकते हैं, उसको R21 कैप करके मोड लिख सकते हैं, इस सभी तरीके से हम लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस, तो ऑल दीज आर नोन एज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्ज, बोलो क्लियर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ओके। अब देखो आगे, अब यहां पे हमने दोनों चार्ज कैसे कंसीडर किए, तो यहां पे बोथ चार्जेस आर टेकन एज अ पॉजिटिव चार्जेस, Q1 फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पे, एक बात तो क्लियर है, फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लगेगा, तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लगेगा, तो Q1 के कारण वन के कारण टू पर, तो उस फोर्स की डायरेक्शन सर रिपल्शन होगा इसलिए दूर जाएगा, तो यहां फोर्स मैंने कहां शो किया, टू पर, टू पर शो किया, उसका मीनिंग लगता कहां पर है, टू पर लगता है, कौन लगाता है फोर्स, Q1 लगाता है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो ए हो गया फोर्स, तो सेम वे Q2 के कारण फोर्स लगेगा Q1 पे, रिपल्शन, Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगेगा उस फोर्स से Q1 दूर जाएगा, तो इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, और ए फोर्स होगा रिपल्शन, ओके। तो टू के कारण वन पर लगेगा, वन दूर जाएगा, वन के कारण टू पे लगेगा, टू दूर जाएगा। अब एक बात तो क्लियर है, वैल्यू के हिसाब से देखें तो आप फोर्स को F12 बोलो, F21 बोलो, उसकी वैल्यू तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर आएगी, तो ये वैल्यू है, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यही रहेगा, Q1 एंड Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स। बट अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो वेक्टर में उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, उसको हमें प्रॉपर वे से समझना पड़ेगा, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा पुराना कंसेप्ट याद करना है, वेक्टर वाला कंसेप्ट, किसी भी वेक्टर को हमें लिखना है, तो किसी भी वेक्टर को लिखना है तो क्या करेंगे, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, तो सिंपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और यूनिट वेक्टर कौन सा होना चाहिए, तो यूनिट वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन
हमारे इस वेक्टर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर बोथ आर सेम, देन वी कैन डू एनी मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर, एनी स्केलर फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म। ओके चलो, अब हमारे पास टू फोर्सेस है, दोनों में से किसी, दोनों की वैल्यू तो सेम है क्योंकि दोनों फोर्सेस को क्या बोल सकते हैं, Q1 एंड Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स। ओके तो उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। अब दोनों में से कौन से फोर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, चलो तो मैं बोल रहा हूं, सपोज हम इसको ड्रॉ करते हैं, चलो इसको लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, F21 का वेक्टर फॉर्म मुझे बनाना है, F21 का वेक्टर फॉर्म मुझे बनाना है। तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको क्या बोलेंगे, तो F21 क्या है, तो F21 इज द फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक ही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, फोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वन, कहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, टू पर, यानी फोर्स वन के कारण लग रहा है टू पर। तो याद रखना, मैं वन से एक वेक्टर बनाऊंगा जो टू तक जाएगा। ओके तो वन से एक वेक्टर बनाऊंगा जो टू तक जाएगा, तो ये वन से एक वेक्टर बनाया जो टू तक है। ऐसा वेक्टर कब बनाना है, अगर आप F21 का वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हो, अगर आप F21 का वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हो तो इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू वन ऑन टू, तो ड्यू टू वन, वन के कारण फोर्स, तो वन से वेक्टर निकलेगा टू तक जाएगा। ओके अब ये जो वेक्टर है इसका नाम अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको वेक्टर आर बोल देता हूं। ओके अब इसको निकालने कैसे, इसका नाम कैसे बनाते हैं, तो देखो इसका नाम बनाने का फॉर्मूला, ये जो वेक्टर बना है वो Q1 एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। देख लो, इसका जो है टेल है वो 1 पे है और उसका हेड जो है वो 2 पे है, तो ये जो वेक्टर यहां पे बना है वो Q1 एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देख लो, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन F21 फोर्स की ही डायरेक्शन में है। ओके अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका नाम कैसे बनाएंगे, तो इसका हेड कहां पर है, 2 पर, तो पहले 2 लिखेंगे, इसका टेल कहां पर है, 1 पे, तो उसके बाद में 1 लिखेंगे, रिपीट, इसका हेड कहां पर है, 2 पे, तो पहले 2 लिखेंगे, उसका 1 कहां पर है, ये सॉरी उसका टेल कहां पर है, 1 पे, तो बाद में 1 लिखेंगे। अब यहां पे देखो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एडिशन फॉर द वेक्टर एडिशन, अगर वेक्टर ए के हेड पर से वेक्टर बी, अब वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड दोनों को ज्वाइन करो, तो ए जो बनेगा उसको ए प्लस बी बोलेंगे, और ए जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट आर होगा। तो यहां पे सिंपल देखो, ए रहा आर वन के हेड पर से R21, यानी ए R1 के जैसे बिहेव करेगा, ए जो बी है वो R21 के जैसे बिहेव करेगा, 1 के टेल पर से सेकंड का हेड, तो यहां देखो 1 के हेड टेल पर से सेकंड का हेड, तो ए R2 जो होगा वो कैसे बनेगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू R2, तो नाउ R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, बोलो क्लियर, तो मिल गया मुझे R21, तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब R21 क्या है, तो याद रखना दिस इज द वेक्टर विच शोज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके Q1 एंड Q2 के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे लिए काम का है, क्यों, क्योंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन एंड F21 की डायरेक्शन हम देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहां आपके लिए मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ R21 एंड F21 इज इन सेम डायरेक्शन। ओके इज इन सेम, ओके इज सेम,
ओके, अब ध्यान से देखो, हम इस वेक्टर का क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। अब आप यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका जानते हो, किसी भी यूनिट वेक्टर का मेथड क्या होता है, तो एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ द वेक्टर। ओके, एक मेथड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम क्या करते हैं, आर टू वन का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऑफ आर टू वन, तो यहां पे आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर टू वन। ओके, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर टू वन वेक्टर डिवाइड बाय मोड जो है उसको सिर्फ आर टू वन लिखो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको और एक मेथड से लिख सकते हैं, आर टू वन है तो आर टू वन को लिखने का मेथड एक और भी है, आर टू माइनस आर वन, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। तो यहां पे आर टू वन, बात खत्म। आप किसी भी मेथड से लिख सकते हो। अब हम ये भी जानते हैं ये किसका यूनिट वेक्टर है, आर टू वन वेक्टर का। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आर टू वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर टू वन। ऑलवेज ए आर जो है, आर कैप यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है, वेक्टर आर की डायरेक्शन। तो आर टू वन कैप जो है उसकी डायरेक्शन आर टू वन की डायरेक्शन होगी। अब देखो, आर टू वन की डायरेक्शन एंड एफ टू वन की डायरेक्शन दोनों तो एक ही है, तो ये जो आर टू वन बना, आर टू वन कैप ए यूनिट वेक्टर, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं, नाउ कैप आर टू वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ टू वन। बात खत्म। एफ टू वन वेक्टर आपको निकालना था, तो एफ टू वन वेक्टर आपको निकालना है, तो एफ टू वन वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेना है। तो अब देखो, आर टू वन कैप किसका यूनिट वेक्टर है, आर टू वन का। तो आर टू वन कैप जो है उसका वेक्टर वेक्टर आर टू वन है, तो आर टू वन वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आर टू वन का कैप होगा। ये तो फोर्स की डायरेक्शन में है, तो आर टू वन कैप भी फोर्स की डायरेक्शन में होगा, सिंपल। अब हमारा फोर्स कितना है, तो हमारा फोर्स है एफ टू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आर वन टू, यहां दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं आर भी लिख सकता हूं, आर वन टू भी लिख सकता हूं, आर टू वन भी लिख सकता हूं। यहां पे मैंने टू वन लिया है, तो यहां पर भी मैं टू वन ले लेता हूं, चलेगा। ओके, अब देखो ये तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हुआ। हम तो क्या बनाना चाहते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड, उसके साथ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो है ही है। तो एफ टू वन के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू वन स्क्वायर। अब इसको मैं वेक्टर लिखता हूं, तो यहां ये मैग्नीट्यूड के साइड में मुझे यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर कौन सा लिखना चाहिए, तो F21 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए, F21 की डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर R21 की डायरेक्शन दोनों एक ही है। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, R21 कैप। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स, ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लिखने का तरीका, ओके, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे लिखा जा सकता है, तो F21 कैप के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर टू वन स्क्वायर। आर कैप को डिफरेंट मेथड से कैसे लिखते हैं, तो आर के आर टू वन कैप को लिखने का एक तरीका, वेक्टर डिवाइड बाय वैल्यू, वेक्टर डिवाइड बाय वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर टू वन। तो इसको और एक मेथड से लिखा जा सकता है, आर टू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन डिवाइडेड बाय आर टू वन का क्यू। तो आपकी टेक्स्ट बुक में शायद यही फॉर्मूला होगी, मैंने और टू फॉर्मूला यहां पे बना दी। ओके, यस, क्लियर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ये सारे वेक्टर फॉर्मेशन है। ओके, अब ये तो कौन सा हो गया, वन के कारण टू पे हो गया, तो सेम वे इसके बेस पर से सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एफ वन टू क्या होगा। अब एफ टू वन बनाया,
एफ टू वन बनाया तो यहां पहले टू वन लिखा यहां भी टू वन लिखा तो उसको चेंज कर दे रहे। अब मैं क्या लिख रहा हूं एफ वन टू तो के क्यू वन क्यू टू यहां टू वन लिखो कि वन टू चलेगा तो यहां पर टू वन है तो यहां पर वन टू लिखो बट यहां पे क्या आएगा वन टू तो सिंपल है टू वन के लिए ऐसा फॉर्मूला बना अगर मैं एफ वन टू का मीनिंग क्या होता है ए रहा फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन अगर फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन बनेगा तो ए वेक्टर टू से स्टार्ट हो गए वन पे खत्म होगा यानी ये आर टू वन उल्टा हो जाएगा तो यहां पे देखो आर टू वन था उसकी जगह वन टू हो गया तो सिंपल। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं एफ वन टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर वन टू स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइड बाय वैल्यू इसमें से कोई भी मेथड लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहां टू वन है तो टू माइनस वन हुआ अब वन टू है तो वन माइनस टू होगा और यहां पे होगा आर वन टू तो नीचे तो क्यू हो गया के क्यू वन क्यू टू आर वन माइनस आर टू और डिवाइड में आर वन टू का क्यू तो आपके पास ए फोर्स हो गया। तो देखो आपके पास कितने फोर्स हुए वन के कारण टू पे लगने वाला फोर्स और टू के कारण वन पे लगने वाला फोर्स दोनों फोर्स को आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं थोड़ा सा चेंज ध्यान से देखना ये हमारा एफ वन टू तो है ही है उसमें कोई डाउट नहीं है बट यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं तो मेरा माइनस कॉमन निकला के क्यू वन क्यू टू माइनस कॉमन निकला इसलिए आर टू जो है वो प्लस हो गया और आर वन जो है वो माइनस हो गया और डिवाइड में मेरे पास आर वन टू है और ए आर वन टू का क्यू हो गया। अब बहुत ही ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से आर वन टू लिखो या आर टू वन लिखो वो तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अगर वेक्टर लिखते हैं तो दो वेक्टर सेम नहीं है वेक्टर उल्टा हो जाएगा बट ये वेक्टर नहीं है सिर्फ वैल्यू है वन एंड टू के बीच की वैल्यू आर वन टू से भी लिखी जा सकती है आर टू वन से भी लिखी जा सकती है। तो यहां पे अब ध्यान से देखो के क्यू वन क्यू टू आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्यू के क्यू वन क्यू टू आर टू माइनस आर वन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्यू आर टू वन लिखो या आर वन टू लिखो दोनों एक ही बात है। तो अब ये जो बात हुई उसको मैं कौन सा फोर्स लिख सकता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं क्या लिख सकता हूं एफ टू वन लिख सकता हूं क्लियर। तो अब मेरे पास क्या होगा एफ वन टू इज इक्वल टू ये तो माइनस है ही है अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं एफ टू वन लिख सकता हूं। तो अब देखो वन के कारण टू पे लगने वाला फोर्स टू के कारण वन पे लगने वाला फोर्स बीच में इक्वल टू यानी दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है और यहां पे माइनस यानी दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो देख लो एफ वन टू बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ बोथ फोर्सेज आर सेम तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कूलम्स लॉ के अंदर न्यूटन के थर्ड लॉ फॉलो करते हैं ओके। तो दोनों के कारण एक दूसरे पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी क्लियर। वैल्यू निकालने का फॉर्मूला के दोनों की चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर तो ये हो गया सिर्फ वैल्यू बट आपको उसके वेक्टर के साथ लिखना है डायरेक्शन के साथ लिखना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा सिंपल है वैल्यू में से वेक्टर बनाना है तो वेक्टर जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेना है बात खत्म एकदम इजी ओके। दो बार देख के होमवर्क में लिख दो बात खत्म हो जाएगी ओके यहां पर फिनिश ओके डन थैंक यू।